अमित चौधरी पार्षद महात्मा गांधी वार्ड। विषम परिस्थितियों में बने पार्षद, पहली बार बने पार्षद अमित चौधरी कांग्रेस से थे उम्मीदवार। महात्मा गांधी वार्ड में शिविर की भीषण समस्या, चुनौतियां काफी है इस वार्ड में। कैसे करेंगे चुनौतियों का सामना, न दल में बल है न बल दल का है। अव्यवस्था अविकास के राक्षस से आखिर कैसे लड़ेंगे नव निर्वाचित पार्षद, देखिए संवाद के इस प्रबल कार्यक्रम सीधी बात सच के साथ में। नमस्कार, हम हाजिर हैं इस सीधी बात के इस कार्यक्रम में। हमारे इस बार उपस्थित हैं अमित चौधरी, पार्षद बन चुके हैं। इससे पहले भी हमने इनसे बातचीत की थी जब ये पार्षद नहीं थे, कई सारी उम्मीदों के साथ, कई सारी आशाओं के साथ और कई सारे सूचीबद्ध कामों को लेकर इनके दिमाग में उस समय था रहा होगा, जिनको अब उन्हें धरातल पर लाना है। तो हम बात करेंगे क्या संघर्ष है, किस तरह काम करेंगे और किन बातों का उन्हें मुख्य रूप से सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों के साथ हम बातचीत करते हैं जैसे अमित। नमस्कार अमित जी, होता क्या है सदैव सत्ता आने के बाद जन अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, आपको भी सामना करना पड़ रहा होगा जन अपेक्षाओं का। जी बिल्कुल, बहुत करना पड़ रहा है भाई। लोगों ने जिस तरह मुझे चुना है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसी रास्ते पर उनके उनकी वोट के सम्मान के लिए मैं खड़ा उतरूँ और क्षेत्र में उसी तरह काम करूँ जिन्होंने जिस लिए मुझे उन्होंने चुना है। कांग्रेस में सपा का लगभग देखा जाए तो उतना नहीं अभी फिलहाल नगर निगम के, उसमें भाजपा का महापौर है, भाजपा का यहाँ पर विधायक है, मंत्री है। क्या लगता है सत्ता और दल इन दोनों के तालमेल बिठा कर काम कर पाएंगे, बहुत कठिन होता है इसमें। बिल्कुल, हमारी कोशिश तो है क्षेत्र में काम करा रही थी और सत्ता और दल की और यही बात अपनी जगह है। सत्ता दल का कुछ ना जोर तो रहता ही है क्योंकि काम कार्यकर्ता के नाते जल्दी कार्यकर्ता पहले हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। नगर निगम में हमारी भी सुनी जा रही है, मैंने भी कई काम ऐसे हैं अधिकारियों से मिलकर कराया, उन्होंने मुझे मना नहीं किया, आश्वासन दिया और कुछ काम हो रहे हैं, आगे होंगे और कुछ काम करवा चुके भी हैं। अच्छा, एक चीज जब आप नहीं थे पार्षद और आप जब बने तो आपके सामने सीधे एक छवि आ रही होगी, ये खराब एक पॉइंट आ रहा होगा, तो वो क्या अव्यवस्थाएं हैं आपके दिमाग में जो आपको लगता है नहीं ये सबसे पहले उसे पूरा करना चाहिए, इन अव्यवस्थाओं को जरूर और बहुत जटिल समस्याएं, वो कौन कौन सी? जैसा पहले आपके लास्ट में इंटरव्यू में जब मुझे आपने लिया था तो मैंने दो ही समस्या सबसे पहले क्षेत्र की बोली थी जो बहुत बड़ी समस्या है। मेन समस्या सीवर की है और उसके बाद वाटर सप्लाई की है, और वाटर सप्लाई की समस्या इस वक्त बहुत ज़्यादा विकट होने वाली है गर्मी के मौसम में, क्योंकि मेट्रो के काम के होने की वजह से यहाँ का वाटर लेवल इस क्षेत्र का कम से कम 10 से 15 फीट तक डाउन हो गया है। और डाउन हो गया है तो मैंने भी इसको अवगत कराया है जल संस्थान के अधिकारियों घर को कि भाई इसके लिए आगे रास्ते निकाल लिए हैं क्योंकि आने वाली समस्या बहुत विकट है। सारे समर सेवल अभी तकरीबन 8 समर सेवल के मैंने नगर निगम को दिया था, तकरीबन 5 बन चुके हैं अब तक समर सेवल। टंकियाँ जो खराब पड़ी हुई थी क्षेत्र में 8 में कम से कम 5 बन चुकी हैं, इसमें 3 की मोटर बदली जा चुकी हैं और 2 रिपेयरिंग के रूप में जो भी छोटी मोटी चीज़ें ठीक कर दी गई, बाकी 3 और पैचिंग के काम भी करवा रहे हैं जो रोड टूटी फूटी हैं, कुछ काम जो नगर निगम के थ्रू हो रहे हैं वो हम करवा रहे हैं। यानी सड़क बिजली और बिजली तो खैर आपके सड़क सेवर इन समस्याओं से जूझ रहा है कहीं ना कहीं आपका वार्ड। सबसे बड़ी समस्या है इस वार्ड की, जो सबसे बड़ी समस्या है वो सीवर की है, चाहे बागहरा बीवी हो, चाहे वो निवस्ती मुरादली लेन हो, चाहे वो के स्क्वायर यहाँ की बहुत पास कॉलोनी है वो हो, चाहे वो जैनायन रोड हो, सब समस्या सबसे पहली समस्या सुबह फोन उठने पर मैं जब भी उठता हूँ सबसे बड़ी समस्या आती है सीवर की। हर जगह सीवर बह रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि सीवर की सही पुरानी जंजल लाइनें 50-50 साल पुरानी पड़ी जंजल लाइनें हैं जो अब पहले आबादी के हिसाब से कम थी, अब आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोड ज़्यादा हो गया। अब मैं प्रशासन से यही डिमांड करता हूँ कि वो सीवर लाइनें सब दुरुस्त नहीं खुलवाई जाएँ और दुरुस्त कराई जाएँ और सीवर लाइन बड़ी ना ली जाए। क्या लगता है आपको इस शासन में जो व्यवस्था है इसमें नगर निगम से लेकर यहाँ तक, हमेशा नगर निगम रोता है पैसे के लिए, वो कहता है पैसे कम हैं और उस कम पैसों में आपकी आपकी जनता डायरेक्टली आप ही से मिलती है मूलभूत सुविधाओं के लिए, तो जनता की अपेक्षाएं बहुत रहती हैं। क्या लगता है आपको इस तरह से जिस तरह से नगर निगम अब तक चलता आया है उससे और आपकी प्रति जनता की अपेक्षा पूरा कर पाएंगे? बड़ा कठिन होता है इसमें काम करना। बहुत कठिन है इस समय, मैंने अधिकारियों से बात भी करी नगर निगम के, जोनल से ही बात करी, समस्या पैसे की तो बहुत ज़्यादा है नगर निगम को और इससे सब अवगत है, पूरा शहर अवगत है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी अवगत है, तो
इसमें एक बूस्ट की जरूरत है नगर निगम को देने की, ये तो ऊपर का पैनल का मैटर है, लेकिन हम लोग तो छोटे पार्षद हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस तरह की अगर बातें उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उन दिशा पे तो काम होगा ही, जहाँ पर होना चाहिए। सदन में यही मुद्दा रहेगा, अभी हमारा सदन तो हुआ नहीं, पहला सदन में इसी बात को लेकर मुद्दा होगा कि भाई नगर निगम को उभारा जाए तभी क्षेत्र का विकास हो सकेगा। जी, जब नगर निगम में पैसा ही नहीं होगा तो हम कराएंगे इससे। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर कांग्रेस में रहते हुए, बहुत लोग सुनने में आ रहे हैं, कांग्रेस में रहते हुए अगर काम होने में समस्याएं आएंगी तो क्या कांग्रेस छोड़ अन्य दल के तरफ? नहीं, कांग्रेस में रहते हुए अगर समस्याएं आएंगी, समस्याओं के लिए आंदोलन भी तो हम घिराव करेंगे नगर निगम का अपनी क्षेत्र की जनता के साथ, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता की समस्या मेरी समस्या। यानी दल दल अभी कांग्रेस ही रहेगा? दल कांग्रेस ही रहेगा, क्योंकि मैं उसके चुनाव जीता हूँ और जनता ने जो भी वोट किया मुझे कांग्रेस के नाम से वोट किया। जी, और अपने व्यक्तिगत स्थिति तो मैं कांग्रेस कैसे छोड़ दूंगा, इससे जनता की दगाबाजी होगी। जी जी, दल अभी कांग्रेस है? दल कांग्रेस ही रहेगा। आखिरी प्रश्न, उम्मीदों के साथ जरा बता दीजिए कि आप ये इतने दिन में करके दिखाएंगे, चाहे वो साल भर बताएं चाहे वो एक साल डेढ़ साल में, ये करना है आपको तो वो क्या? बेसिक समस्या जो सफाई की है, कर्मचारी ग्रहण की है, मैंने लिख कर दिया है नगर निगम को 25 कर्मचारियों के लिए, जो यहाँ समस्या है, पहले 74 हुआ करते थे, आज के में 34 है, तो क्षेत्र में काम वास्तव में नहीं हो पा रहा है, उनके पार्षदों और ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उस पर ध्यान देकर लिखा पढ़ी करी है और मुझे आश्वस्त दिया नगर आयुक्त जी ने कि भाई उसमें इसमें जितने भी आपके कर्मचारी चाहिए मैं दूंगा। और सबसे बड़ी समस्या है मैं वाटर सप्लाई और सीवर, मैं चाहता हूँ पहले ये दुरुस्त हो जाए, जो सीवर सुबह सबसे पहले उठने पहले ये दो ही चीज़ की जरूरत पड़ती है इंसान को, सीवर सफाई और पानी और सीवर की, शौचालय की। अगर यही दुरुस्त नहीं होगा तो फिर आदमी का दिन कैसे शुरू होगा? जी, तो अगर ये सही हो गया तो हमारा क्षेत्र अपने आप विकास करने लगे। तो टारगेट है आपका लगभग? मेरा टारगेट है, और ये समस्या पिछले 15-20 साल की है, हम ये कहें कि एक महीने और दो महीने में करा लेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई 100 मीटर और 50 मीटर लाइन का मामला तो है नहीं, ये पूरे क्षेत्र का मामला है। प्रयास जारी है, अधिकारीगण को मैसेज दे रहे हैं, बराबर हम इन बातों को अपने अवगत करा रहे हैं और अगले सदन में भी इसको हम आने वाले सदन में इसको जोरदार तरीके से रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम जब आए यहाँ पर तो हमने देखा ये मुद्दा जनता का है, इसलिए उठा रहे हैं, आपसे मिलने का और आपसे मिलकर काम कराने का, जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, डोमिसाइल हो गया, इसकी व्यवस्था में थोड़ा सा अवरोध मुझे नजर आता है। मुझे लगता है कि समस्या होती है जनता में, आपकी कार्यालय पर्टिकुलर आपने ऐसा तो बनाया नहीं जहाँ पर बैठा जाए कि बनाए कार्यालय, अभी हमने एक टेम्पररी बनाया, हमारे मित्र का है रविंद्र सिंह यादव, उनके कार्यालय बैठ रहे हैं, होना चाहिए जनता तो भटकेगी नहीं। बाकी मैं सुबह के नाम है यहाँ पर घर पे सारे काम करता हूँ 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर कार्य करता हूँ। एक स्थान तो निश्चित रूप से, हाँ, स्थान हमको मिल नहीं रहा है, हम चाहते हैं कोई ऐसी जगह बेसिक स्थान हो जाए, मिल रहे हैं लेकिन आउटर साइड मिल रहा है, इससे अब नई बस्ती का प्रॉब्लम है, हुसैन में जो मुझे जगह मिल रही है बनाने के लिए, तो जाहिर है डिस्टेंस है, औरतें हैं, महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, दूर आने में दिक्कत होगी और बहुत से लोग पहुंच नहीं पाएंगे, तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक सेंटर पॉइंट पर कार्यालय खुले जिससे हम सबका कर चुके, और बाकी समस्याएं नहीं होती तो मैं किसी को फ़ोन भी नंबर ले लेता हूं कि भाई कोई ऐसी बात है नंबर ले ले, मैं आ जाता हूं। कुछ लोगों को समस्या हो रही है इस बात का, मैं आपकी बात को इससे डिनाई नहीं करूंगा कि हाँ समस्या हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी मैं एक ऐसा कार्यालय खोलूंगा जहाँ पर सब चीज़ की सुविधा प्रपूर्ण हो और एक टोल फ्री नंबर हो हमारा कि समस्या हमारे टोल फ्री नंबर से ही हो जाए और मैं उसका निदान घर बैठे ही लोगों से टोल फ्री नंबर के थ्रू ही नंबर कर उसे करवा दें। लगभग उम्मीदें तो जता दी और बात तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं नगर निगम का साथ यदि मिलेगा कि पार्षदों को तो विकास की जो धरातल जो बहुत दिनों से बंजर पड़ी थी उसमें उपजाऊ विकास वाली जो फसल है वो आ सकती है। खैर, ये देखने वाली बात है कि समय आने पर अमित चौधरी कैसे काम करते हैं महात्मा गांधी वार्ड। कैमरा मैन उदेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ इंडिया।